India's ground number 7 is leading. Overtaking Schneider. He overtakes him. He's got the better of him. Schneider frantically accelerating, dovetailing Brown. Schneider closing in on Brown. Schneider closing in. Ah, but Brown gets away on the final bend. He is away. Looks like he's in for a win. Yes, it is. Number 7, India's Ram Khanna, the winner. A magnificent performance. Thank you.
बड़े डॉक्टर, कितनी खूबसूरत बीवी हमारे दुकान पर तशरीफ लाई, ये हमारी खुशनसीबी। थैंक यू मिस्टर वेम्पी। आपने फोन पर जिस हाल के बारे में कहा था वो हाजिर है, तशरीफ रखिए। वाह बहुत खूबसूरत है। आपको वाकई हीरो की पहचान है मिसेस मोरे, इससे बेहतर हार हमारे शोरूम में नहीं है। इसकी कीमत? आपके लिए कुछ भी नहीं, $200,000, सिर्फ 15 लाख रुपए। मुझे बहुत पसंद है, मगर आपको एक तकलीफ करनी होगी। तो फरमाइए। यह हार मेरे शहर के क्लिनिक पर लाना होगा। वहाँ? बात दरअसल ये है, आज हमारी शादी के पहले साल की रहा है, मैं चाहती हूँ यह हार मुझे मेरे शहर अपने हाथ से दें। वो कितने मसरूफ है ये तो आप जानते ही हैं। ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, कहिए कितने बजे हाजिर हो जाऊँ? 11 बजे। इत्मीनान रखिए मैं पहुँच जाऊंगा। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। आपकी फरमाइश हमारे सराखों पर। डॉक्टर मोरे? यस। मिसेस वेम्पी टू सी यू सर। सेंड इन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मिसेस वेम्पी, तशरीफ लाइए। मिसेस वेम्पी आप शायद वक्त से पहले आ गई, आप तो 11 बजे आने वाली थी। मैं जानकर पहले आई हूँ डॉक्टर। मिस्टर वेम्पी नहीं आए? आ रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। फरमाइए। आप दिमाग के इतने बड़े डॉक्टर हैं, जरूर मेरी मदद करेंगे। कहिए। पिछले कुछ दिनों से मेरे शौहर मिस्टर वेम्पी में कुछ तब्दीली आ गई है। किस तरह की? आप तो जानते हैं वो बहुत बड़े जौहरी हैं। जाने क्यों आजकल वो हर आदमी को अपना ग्राहक समझने लगते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी। ये तो बड़ी गंभीर बात है। बात करते करते ये भी भूल जाते हैं कि मैं उनकी बीवी हूँ। अगर मैं आपके पास बैठ जाऊँ तो समझने लगेंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे मंजूर है, आप इतनी खूबसूरत हैं और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। हंसी की बात नहीं है डॉक्टर, जिसे हर वक्त साथ रहना पड़ता है वही जानता है इस मुश्किल को। मिसेस वेम्पे, मैं मामले की नजाकत को समझ रहा हूँ, पहले एक बार उनसे मिल लूं, केस हिस्ट्री मालूम कर लूं, फिर आपसे बात करूंगा। डॉक्टर मोरे? यस। मिस्टर वेम्पे टू सी यू सर। सेंड इन। जहां तक मेरा ख्याल है वो अभी भी अपने साथ कोई ना कोई जेवर लेकर आएंगे और आपके हाथ बेचने की कोशिश करेंगे, मगर डॉक्टर मंदर आ सकता हूँ? आइए मिस्टर वेम्पे, आइए आइए। शुक्रिया डॉक्टर, अगर आप तकल्लुफ माफ करें तो मैं कुछ अर्ज करूं? फरमाइए। बीवी के मामले में आपकी पसंद की मैं दाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपकी मैडम की पसंद की भी दाद देता हूँ, इनके गले में हार बहुत सजेगा। पसंद आया आपको? बड़ा खूबसूरत है, काफी कीमती होगा। जी हाँ सर, 15 लाख रुपए। आप लोग मामले की बात कीजिए, मैं बराबर के कमरे में हूँ। मिस्टर वेम्पे। यस डॉक्टर। मैं आपसे एक साथी सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जरूर पूछिए। आपकी शादी कितने दिन हुए? शादी को? लेकिन क्यों? यूं ही अपनी इत्तला के लिए जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, इन सब बातों से हार का क्या ताल्लुक है? यही जानने की तो कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप तो मुझसे ये सब सवाल ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई मैं दिमाग का मरीज हूँ, आपसे मुआयना कराने आया हूँ। आप हार की कीमत दीजिए, मेरे काम का वक्त है। आपको शादी की सालगिरह मुबारक। मेरी शादी की सालगिरह? जी हाँ, आपकी बीवी ने कहा आज आपकी शादी की पहली सालगिरह है। हार उन्हें क्लिनिक में चाहिए था और वो आपके हाथ से लेना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ लेकर आया। ठहरी ठहरी। क्यों? ऐसा मालूम होता है कि मुझे आपके दिमाग का इलाज नहीं बल्कि अपने दिमाग का इलाज करना होगा। जी कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? ये बीवी किसकी? आपकी। We interrupt this program for a police announcement. A daring jewelry theft has just been committed. Suspect, a young girl of medium height, brunette, brown eyes. All police.
The suspect may attempt to cross into France or Switzerland from Germany. All border checkposts are warned to be on the alert for her. She is driving a red Alfa Romeo. I repeat, all border checkposts. क्या बात है? काम हो गया है, हार मेरे पास है। वहाँ क्या कर रही हो? अभी तक पहुँची क्यों नहीं? कैसे पहुँचूं? जर्मन बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। रेडियो पर सुना नहीं, चारों तरफ पुलिस होगी। मंगल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी खूबसूरती किस दिन काम आएगी? किसी से लिफ्ट मांग लो। रीटा, वह हार किसी भी तरह मेरे पास जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए, समझी? तुम्हारे लिए क्या हुक्म था? क्या हुक्म था तुम्हारे लिए? रीटा को अकेला न छोड़ना। फिर क्यों छोड़ा? पुलिस ने मेरी गाड़ी को पहचान लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां पहुंचा हूं। इतना बड़ा काम तुम्हारी जरा सी लापरवाही से बिगड़ जाता। तुम हमारे काम के आदमी नहीं हो। कहां जा रहे हो? तेल लेने। किस काम के लिए तुम्हें बुलाया था? हीरे जांचने के लिए। वो काम हो गया? आज ये काम हो गया, वो कल हो जाएगा। कल नहीं, आज होगा। की पट्टी क्या खुदकशी करना चाहती है? हे यू, आउट आउट। नो इंग्लिश? नो पाले ऊ फ्रांसे? वी मैडमोजेल वू जेट फूल हा लेसे ला रू सिल वू प्ले। No François? Sprechen Sie Deutsch? German? Ja, ja. Ich glaube, Sie sind Baruch Victor. अजीब मखलूक है, कोई जबान भी नहीं समझती। गधी गुंगी बहरी है या ढेर साली एलएसडी खा गई है? अगर मैं गधी हूं तो आप क्या है? बाप, ये तो हम वतन निकले। औरतों से क्या अच्छी जबान बोलते हैं आप? तो क्या कविता लिखूं आपकी शान में? अड़ियल टट्टू की तरह रास्ता रोके जो खड़ी थी। देख रही थी महात्मा बुद्ध के देश के आदमियों में कितना सब्र है। मेरी सरकार, महात्मा बुद्ध को मरे हुए कई हजार साल हो चुके हैं और मैं उनका अवतार नहीं। आजमाने के लिए आपने गलत आदमी चुन लिया। फिर भी अपनी गुस्ताखी की माफी मांगता हूं। जाइए, माफ किया। वाह, बहुत बड़ा दिल है आपका। अब ज्यादा खुशामद मत कीजिए। तो क्या करूं? मेरा मतलब है, किस तरह तारीफ करूं आपकी? तारीफ मेरी नहीं, तारीफ उसकी जिसने जिसने आपको बनाया, यही ना। इसी बात पे तारीफ हो जाए अपना अपना। मेरा नाम रीटा है। और मेरा नाम घसीटा। आप कहिए देवी जी,
रास्ता छोड़ने का क्या लेंगे आप? सिर्फ फ्रैंकफर्ट तक की सवारी। मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। चमक तो खूब रही आप, चेहरे से तो नहीं लगता कि पेट्रोल खत्म हो गया। चेहरे हमेशा धोखा देते हैं। कहो तो अंदर आ जाओ। पधारिए। में किस जगह के रहने वाले हैं आप? ये तो मुझे पूछना पड़ेगा। किससे? अपनी डैडी से। आपने वो लतीफा सुना? कौन सा? एक सिपाही ने एक आदमी की गठरी पर डंडा मार के पूछा, इसमें क्या है? उसने कहा, चूड़ियां थी। मैं भी हिंदुस्तानी थी अपने पैदा होने से पहले। पैदा होने के बाद क्या हो गई आप? आधा तीतर आधा पटेल। डैडी हिंदुस्तान से जाकर अफ्रीका सेटल हो गए। मैं वहीं पैदा हुई। यहाँ डैडी के साथ यूरोप की सैर के लिए आई हूँ। और देखिए, आपसे फायदा उठा रहे हैं। हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप जैसे हसीनों के काम आए। यहाँ किस होटल में ठहरी हैं आप? होटल बैरशोफा। हमारे आप किस तारे खूब मिलते हैं, मैं भी वहीं ठहरा हुआ। किस नंबर में? आप तो हर चीज पकी पकाई मांगती हैं। हमें ढूंढने के लिए कुछ तो मेहनत कीजिए। आपको ढूंढना मुश्किल नहीं है मिस्टर राम, आप बहुत मशहूर रेस ड्राइवर हैं। हेलो राम। Oh, hello. Hello, how are you? Hi. Passport? Oh, no, good. Ren, she's beautiful. Best of luck in the race. Thank you. तो मैं आज मुसीबत में फंस जाती। मैं खूबसूरत लड़कियों को मुसीबत में फंसने नहीं देता। क्या ये सच है? मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ। कम का मतलब है झूठ बोलते जरूर है। कभी कभी मुंह का मजा बदलने के लिए। सर आहिस्ता चलिए, आपकी रफ्तार बहुत तेज है। मेरा पेशा ही रफ्तार दिखा रहा है, आपको तो मालूम है कार रेसर हूँ। फिर कब मुलाकात होगी? जब आप चाहें। दोनों एक ही होटल में तो हैं। मेरा मतलब है, आप यहां से जल्दी जाने वाले तो नहीं? अभी कैसे जाएंगे, अभी तो मुलाकात हुई है। इसका कुछ तो मजा लेने दीजिए। कितने प्यारे हाथ हैं आपके, इन्हें अपने जेब में रखिए वरना कोई चुरा लेगा। आप कोशिश करके देखिए ना। शाबाश, नहीं होकर तुमने वो काम किया है जो बड़े बड़े खाक नहीं कर सकते।
मेरे दिमाग और तुम्हारी खूबसूरती ने मिलकर इस मुल्क की सबसे हैरतअंगेज स्टोरी की है। अगर तुमसे पीछा छुड़ाने का लालच ना होता तो मैं इस मुसीबत में कभी नहीं पड़ती, मगर तुमने मेरी मजबूरी दुनिया में सब कुछ है रितू। मजबूरी इंसान को हरकत में लाती है और हरकत में बरकत है। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी और मुझे पता चला था कि तुम ये काम करते हो। इसी का नाम इत्तेफाक है। दुनिया में जो कुछ है सब इत्तेफाक है। अगर ये ना होता, वो ना होता, वो ना होता, ये ना होता, जरा हार जल्दी निकालो। ये भी एक इत्तेफाक है। हार मेरे पास नहीं। क्या इस तरह चिल्लाओगे तो मैं कुछ नहीं बता सकूंगी। राम की जेब में। राम कौन है? मशहूर कार रेस ड्राइवर जिसकी गाड़ी में मुझे लिफ्ट मिली। वो कहाँ है? इसी होटल में। सरहद पार करते वक्त वो हार मैंने उसके जेब में डाल दिया था पर निकाल नहीं पाई। नाथ ये शायद ठीक कहती है। राम की तलाशी ले लेते हैं। फिफे समझी? कैसा कोट है? से खुश नहीं हुई आप? नहीं ऐसी तो बात नहीं। क्या बात है? कुछ परेशान से लग रही है। मैं आप ही के पास आ रही थी। इतनी मोहब्बत हो गई इस अफसर से? मेरा मतलब है मैं आपकी गाड़ी में आई थी ना, शायद उतरते वक्त कुछ भूल गए हैं। जी शायद ये। हाँ यही तो है। मेरी कोई सपनों की रानी होती तो ये हार मैं उसके लिए जरूर चुरा लेता। शायद उसके लिए आपकी मोहब्बत ही काफी हो। कुछ खातिर वातर कीजिए, हमारे इतना कीमती हार वापस किया है। नहीं डैडी आने वाले हैं। इसका मतलब है हम जाएं? हाँ। क्या उसके गले तो मिल जाएंगे? नहीं फिर मिलूंगी। ओके वादा? हाँ वादा। बाय बाय। वाह ये तो तुम्हारा सच्चा चाहने वाला निकला।
एक फूटी कौड़ी का भी नहीं। क्या पकते हो? ये हीरा नहीं शीशा है, शीशा। इस नकली हार के लिए तुमने मेरा कीमती वक्त जाया किया। दाम कम करने के लिए ऐसा कह रहे हो तो जाओ किसी और को दिखाओ। तुम तो बहुत सी जौहरियों को जानते हो ना। यू निकल जाए। डबल क्रॉसर, मेरे साथ बेईमानी करने वालों का अंजाम नहीं जानती? मुझे नहीं मालूम, मैं तो असली हार लाई थी। असली हार लाई थी तो कहाँ? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा तुम और तुम्हारा चाहने वाला दोनों मिलकर मुझे उल्लू नहीं बना सकते। बेटा मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मुझे असली हार चाहिए। How do you find her? Well, okay, except for the fuel. Chokes a bit. That's right, yeah. Especially on this side, yeah. I'll fix it. This wheel, it wobbles a bit. Especially when I turn. Wobbles, yeah. Get it out. Well, I'll be going. You have it fixed, okay? Okay. See you. See you. Hello. Hello. तुम यहाँ? वादा किया था ना कि मिलूँगी। देखो। वादा पूरा कर दिया। ऐसे क्या देख रहे हो? हैरान हूं। क्यों? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। एक दफा फिर देख लो, कहीं भगवान के रूप में शैतान ना मिल गया हो। वो भी देख लेंगे, जल्दी किस बात की है? बैठो तो। कहाँ ले चलूं? जहां जी चाहे। कहीं बुरा तो नहीं मान जाओगी? लड़कियां पसंद नहीं? बहुत पसंद है। आज तो मैं बिल्कुल हिंदुस्तानी बनी हुई हूं, मगर आपने तारीफ नहीं की। आपकी या साड़ी? किसी की भी कर दीजिए, मतलब एक ही है। पुराने जमाने के लोग कवि अवतार सब के सब औरत को मर्द की बदनसीबी समझा करते थे। कहीं मैं भी आपका कोई शिकार तो नहीं? शिकार नहीं। शिकारी? वाह, ये कह के आपने मेरा जी खुश कर दिया। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते दीवाने? अब असलियत पे आ जाओ, बता दो क्या चक्कर है, वरना समझ लो हम भी झूठे को घर तक पहुंचा सकते हैं। तुम उन लोगों को देखकर कह रहे हो ना जो हमारा पीछा कर रहे हैं? जल्दी समझ गई। तुम इन लोगों से पीछा छुड़ा सकते हो?
पहले रैकेट बताओ, पीछा छुड़ा सकते हो या नहीं? मजदूरी क्या मिलेगी? इसका फैसला बाद में करेंगे। जानी अब लंबा मत खींचो, जल्दी बता दो ये बहरूप क्यों भर रखा है? मैं भी तुम्हारी तरह जासूस हूं। सरकारी या प्राइवेट? ये क्यों बताओ? अब आने लगी रंग पे, जरा खुल के बात करो। देखो छेला, ज्यादा होशियारी मत छाटो, अब इधर लिए जाओगे वो लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। हार कहां है? कौन सा हार? जिसके बदले में नकली हार वापस किया। देखो माशू, उसूलन मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर जरूरत पड़े इस उसूल को तोड़ भी सकता हूं। तुम कौन से नकली हार की बात कर रही हो? काफी घिसे हुए मालूम होते हो, आसानी से कबूलने वाले नहीं। देखो जानी, अब मजाक लंबा मत खींचो, मैंने तुम्हें वही हार वापस किया है जो तुमने मेरी जेब में डाला था। तुमने मुझे हार डालते हुए देख लिया था? हाँ, यही नहीं बल्कि रेडियो पे ऐलान भी सुन लिया था कि कीमती हार चोरी हुआ है। अगर पुलिस मेरी तलाशी लेती तो इस वक्त मैं जेल में होता। अपनी इज्जत पे खेलकर तुम्हें मैंने चेक पोस्ट से निकाला है, इसके बावजूद तुम मुझ पे शक कर रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा किसका यकीन करूं किसका ना करूं। रीटा, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? मेरा नाम रीटा नहीं, मीना है। मेरे माँ बाप मर चुके हैं, नाच जिसके लिए मैं काम कर रही हूं वो एक गुंडा है। गलती से इन बदमाशों के चुंगल में मैं फंस गई थी और अब चोरी करने पर मजबूर कर दी गई हूं। राम, इस हार के लिए नाथ ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। हराम साधा, हार ना मिला तो वो मुझे मार डालेंगे। वो समझते हैं मैं तुमसे मिल गई हूं और उन्हें नकली हार वापस कर दिया। वो तुम्हें भी मार डालना चाहते हैं। मीना, मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। एक बार मेरे सीने पे हाथ रख के कह दो मीना, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है। मैं सच कह रही हूं राम, बिल्कुल सच कह रही हूं। जानी, तुमने जौहरी को कितने बजे बुलाया? रात को 9 बजे। जानी, ये हार बेचकर आज ही रात को हम यहाँ से चले जाएंगे। और अगर नाथ को पता चल गया तो? नाथ? तुम नाथ से मत डरो जानी, अगर नाथ ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। ओके बेबी, आई लव यू। कौन हो तुम? माशुक से क्यों नहीं पूछते? बड़े बहादुर हो और हसीन भी। मुझे तुम जैसी एक तेज लड़की चाहिए। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। चलो कहीं भाग चलते हैं।
और अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम इनकार नहीं कर सकती, तुम बहुत चालाक हो। मेरे कमरे में आकर हार बदल दिया और नाथ से कह दिया वहां कोई हार नहीं था। You give me, that, you bastard, you pig! मेरा हार मुझे वापस दे दे! नहीं! कमीने! सती, ये हार बहुत नाजुक चीज है, इसे मैं ले जाता हूँ, तेरे लिए स्थान छोड़ जाता हूँ, बिस्तर गर्म करने के काम आएगा। राम के बच्चे, I hate you! Bye bye, फिफी। I hate you. Mera heart. Hi, Rita. मीना, मेरा ख्याल सही निकला, असली हार फिफी ले गई थी, वो नाथ को भी डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। चलो मीना, ये हार जाके जौहरी को वापस कर देते हैं ताकि तुम पर से चोरी का इल्जाम हट जाए। जौहरी से ज्यादा कदरदान हीरो का मैं हूं मिस्टर राम, लाओ मुझे हार। हेलो लवर बॉय, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर मैं इनकार कर दूं तो? जिंदगी की राहें भी कितनी अजीब है, कहां कहां से लोग आकर मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए। हम बिछड़ जाने के लिए नहीं मिले हैं मीना, तुम्हें अपना वतन हिंदुस्तान याद नहीं आता? हमेशा वही जगह याद आती है जहां अपना कोई हो। वहां मेरा कौन है? मैं जो हूं। मलमल के अपना गोरा बदन धो रही हो। सोचा कि थोड़ी सी तुम्हारी मदद कर दूं। ओह नो।
फिफी डार्लिंग, फिफी। राम, एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? मानूंगा। मजाक मत करो, बोलो ना। क्या बात है मीना? कल की रेस में हिस्सा मत लो। ये तुम क्या कह रही हो मीना, कल की रेस में हिस्सा ना लो? हाँ। तुम जानती हो यहाँ की सबसे बड़ी रेस है? जानती हूँ। ये भी जानती हो कि मैं हिंदुस्तान से सिर्फ कार रेसिंग के लिए आया हूँ? हाँ। मेरे भाई ने हजारों रुपए खर्च करके मुझे यहाँ भेजा है। हिंदुस्तान जाने से पहले मेरी आखिरी रेस है। अगर मैं इस रेस में हिस्सा ना लिया तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। राम, रेस से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान प्यारी है। नाथ और उसके आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि तुम इस रेस में हिस्सा ले रहे हो। कहीं ऐसा ना हो। वो आदमी पैदा नहीं हुआ मीना जो राम को मार सके। उसने लंका जला दी थी। मुझे फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। तुम रेस पे मत आना, सामान लेकर सीधा एयरपोर्ट चली जाना। रेस के बाद मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेलकम यू वंस अगेन टू द नूरपुर ग्रिंग ग्रां प्री, अ थ्रिलिंग 45 लैप्स ऑफ हेयर रेजिंग एक्साइटमेंट, द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर, फॉर 5 लीटर प्रोटोटाइप्स फॉर्मूला 1 कार्स। मैंने तो कहा था एयरपोर्ट पे इंतजार करना, यहाँ क्यों आ गई? मेरा दिल नहीं माना। सारी दुनिया तुम्हें रेस में हिस्सा लेते हुए देखेगी, मैं क्यों ना देखूं? नहीं मीना, तुम्हारे लिए रहना खतरा है। नाथ और उसके आदमी यह कहीं जरूर हो। अगर तुम नहीं जाओगी ना, मैं इस रेस में हिस्सा नहीं लूंगा। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। As by tradition, the cars are being led around for the warm-up by a Mercedes. Driving number 60, a Ferrari, is India's Ram Khanna. Driving number 1, a Porsche, is Arnold Schleser, twice European champion, favorite to win today. Driving number 15, also a Ferrari, is Montana Salvado of Argentina, the South American champion, making his bid in this race for the first time. Our excitement builds up as they come round the final bend, and here they go! Thank you.
generating a lot of heat. Up on his heels is Ram Khanna in 60. A stunning effort now to take over by 3 and 4, the D-80. To the lead now. Look at the way he's taking those bends, you can. Yeah, now he's 50. Salvado in his Ferrari, getting into the frame. Yeah, left him on the car. In 60, seems determined to forge ahead. गाड़ी क्यों रोक दी? हेलो मिस्टर राम खन्ना, एयरपोर्ट जाना है, पहुंचा देते हैं। सुना है रीटा के साथ हिंदुस्तान जा रहे हो। ओह वेरी नॉटी बॉय। जाते ही हिंदुस्तान हमारे लिए लंगड़ा आम भेज देना। ओ पूर राम खन्ना। I say get out of the car। चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलाओ, नहीं तो अब तुम्हारा लंबा सफर शुरू होने वाला है मिस्टर खन्ना। एक शानदार गाड़ी तुम्हें लेने के लिए आ रही है, आराम से जाना। अब भी मेरे पास 5 गोलियां बाकी हैं। नाथ के सामने जरा भी आवाज की तो ये 5 गोलियां भेजे में उतार दूंगा। चुपचाप रिवॉल्वर पकड़े खड़े रहो।
बंगड़ा आम खाना है। वेल डन रिकी, कैसे हो राजा राम? सीता को छीन ले गए हमसे? कम से कम अब तुम ही हमारे पास रहो। तुम्हारे हमारे सितारे नहीं मिलते। हाय, क्या भोलापन है तुम्हारी इस अदा ने हमें मार डाला। बताओ, हार वापस लौटाने की हम तुम्हें क्या सजा दें? एयरपोर्ट छोड़ दो। तुम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मारखा समझते हो? तुम इतने शरीफ आदमी क्यों उस छोकरी के चक्कर में पड़ गए? मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हुए बहुत दुख होता है। राजा राम, रामायण पढ़ लो। नाथ, जब राम को रावण नहीं मार सका, तुम उसकी औलाद होकर मुझे क्या मारोगे? किरण, किरण, कमीनों, मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। 7 दिनों से जर्मन पुलिस तुम्हारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। नमक हराम तुम हो। नमक हराम, तुमने मुझे धोखा दिया। खन्ना साहब, खन्ना साहब, मुझे मत मारिए। खन्ना साहब, मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना। मुझे लगड़ा नहीं चाहिए। खन्ना साहब, मुझे लगड़ा नहीं चाहिए। मुझे मत मारो, मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना। They are kindly requested to check through immigration and customs immediately. I repeat, last and final call for Mr. Ram Khanna and Miss Meena Bhutan, traveling on Air India Jumbo Flight 125 to Bombay. They are kindly requested to check through immigration and customs immediately. शुक्र है कि तुम आ गए। दो बार तुम्हारा नाम अनाउंस हो चुका है। कहाँ रह गए थे? बाद में बताऊंगा। लगे चेक कर लिया? हाँ। चलो चलो। Mr. Ram, I've been looking for you. For me? I've got some medicines for your brother. Very important. You better hurry, or you'll miss the plane. Abflug mit Lufthansa Flug 854 nach Istanbul und Teheran. Alle Passagiere werden gebeten, sich am Ausgang 102 bereit zu halten. Danke. बदल कर पुलिस के नजर से बच सकता है, मगर शेख के नजर से नहीं बच सकता। एयरपोर्ट जाता है भाई को लेने। हाँ भाई, कौन भाई? ओ, जो दवा के शीशे के अंदर हीरा लाता। हीरा? तुम्हें कैसे मालूम? बोला शेख को तुम्हारे बारे में क्या नहीं मालूम। तुम्हारा एयरपोर्ट जाना बेकार है। तुम बोला अपने भाई से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए कि पुलिस को पता चल गया है कि वो दवा नहीं हीरा है। पुलिस को किसने बताया? हमने। याद है, आज से 1 महीना पहले तुमने हमारा 20 लाख रुपया का माल पुलिस के हाथ पकड़वा दिया था। हा? तो तुमने बदला लिया है? बदला भी लिया है और ये भी बताने आया है, अब की बार मेरा माल पकड़वाएगा, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। Son of a bitch. भाई से मोहब्बत है तो जाओ उससे मिल लो, पुलिस उसकी मारामार कर रही है। याल्ला।
जानते हो ये क्या है? और से देखो। मैंने कह जो दिया, मैं कुछ नहीं जानता। ये उसी दवा के कैप्सूल है जो तुम लाए हो। पहचानो इसे, अच्छी तरह पहचानो, ये वही है ना? आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझा। तुम सब समझते हो। तुम और तुम्हारा भाई अरनान दोनों कानून के दुश्मन हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मिलकर स्मगलिंग करता है। 2 साल से पुलिस उसकी तलाश में। मेरे भैया स्मगलर नहीं है, उन्हें ऐसा कोई इल्जाम न दीजिए। तो किसे इल्जाम दे? तुम्हें? मैं भी निर्दोष हूँ। ये किसी की चाल मालूम होती है। कोई मुझे और मेरे भैया को फंसाना चाहता है। मैं हिंदुस्तान से बाहर सिर्फ तारे सिंह के लिए गया। रेस एक बहाना है। तुम क्या समझते हो पुलिस की आंखें बंद है, हम अंधे हैं? आप लोग इस तरह डराकर मुझे गलत बयान नहीं दे सकते। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कानून के खिलाफ। ये जो तुमने किया है कानून के खिलाफ नहीं? अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो और जेल की हवा नहीं खाना चाहते तो सच सच बताओ तुम्हारा अड्डा कहाँ है और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारा भाई हरनाम कहाँ छुपा हुआ है? मेरे भैया चोर उचक्के नहीं दुष्पे होंगे। मेरा कोई साथी भी नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया। कानून इतना बेइंसाफ नहीं जो एक बेगुनाह को जेल में बंद कर दे। तुम तो मेरी जान, साये की तरह मेरे साथ रहती। तुम्हारे बारे में क्या सोचना हा? इसका मतलब ये है घर की मुर्गी दाल बराबर, जान बराबर। प्रणाम। क्या है? राम का पता चल गया है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई तुमने। राम, वक्त गुजरने से पहले कितना लंबा लगता है और गुजर जाने के बाद जैसे एक पल भी नहीं। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। मीना, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मीना राम, एक खुशखबरी है। जिस फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ उसका मालिक बहुत अच्छा आदमी है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें फैक्ट्री में नौकरी देने के लिए तैयार है। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों नहीं मीना, सिर्फ मैं।
मेरा भाई कैसा है तू? देखते क्या हो, अंदर चले आओ। ये मेरा रामू का घर है, पहले की तरह मजबूत है ना। उठ उठ उठ, देखते क्या, मार मार मुझे। कमान कमान, शाबाश शाबाश, पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। आपको कैसे पता चला मैं यहां रहता हूं? भाई भाई को न ढूंढ सके तो मोहब्बत काहे की। हाँ, आप इतने दिन कहां थे? भागता फिरता था जगह जगह, शिकारी कुत्ते की तरह पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी, जहां जाता था सूंघ लेती थी। मेरी इस बदनसीबी ने मुझे आखिरी वक्त अपनी मां से भी नहीं मिलने दिया। इसका गम मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। मेरी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा, इसका भी मुझे बहुत अफसोस है। छोड़िए ना भैया, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं जानता था तुम्हारा जवाब बहादुरों जैसा होगा। आजकल तुम करते क्या हो? फोरमैन हूं। कितना कमा लेते हो? यही कोई 600-700 रुपए। बस 600-700? रामू, बूंद बूंद से समंदर नहीं बना करता, ये बातें सिर्फ किताबों में ठीक लगती हैं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत पक्की स्कीम तैयार की है, जिससे तुम्हें कोई खतरा भी नहीं होगा और तुम माला माल भी हो जाओगे। भैया, चोरी बेईमानी बदमाशी, मैं सबके घिनौने रूप देख चुका हूं। मुझे अब आपकी किसी स्कीम से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझ पर जो दाग लग चुका है मैं उसे मिटाने की कोशिश कर रहा हूं भैया। मैं एक शरीफ आदमी की तरह जिंदा रहना चाहता हूं। शरीफ वो है जो पकड़ा नहीं गया। मैं इस बात को नहीं मानता। तुम्हारे मानने या न मानने से दुनिया बदल नहीं जाएगी रामू। तुम क्या समझते हो, ये जो 20-20 मंजिल के मकानों के मालिक हैं, फैक्ट्रियां और कारखाने चलाते हैं, लाखों रुपया तिजोरी और बैंकों में जमा करते हैं, क्या वो सब शरीफ है? और नहीं तो क्या चोर है भैया? सब चोर है। शरीफ आदमियों के लिए दुनिया के ऐश आराम नहीं है, उनके लिए स्वर्ग होगा या जन्नत होगी। दुनिया के ऐश आराम उनके लिए है जो रुपया पैदा करना जानते हैं, और रुपया वही पैदा कर सकते हैं जो चोरी करना चाहते हैं। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं भैया। आपकी जिंदगी मेरे सामने है, आपने चोरी करके कौन सा फल पाया? ना आराम से सो सकते हैं, ना आराम से बैठ सकते हैं, ना आराम से खा सकते हैं। कानून पुलिस आपके पीछे पीछे है और आप आज भागते फिरते हैं, छुपने के लिए चूहे की तरह बिल ढूंढते हैं। वाह, क्या माशूक है। ये है आपकी जिंदगी, मां बहन बेटी किसी की नहीं। मेरे ही घर में आके मेरी बीवी को गाली दे रहे हैं। रामू, तुमने शादी कर ली? तो क्या ये मेरी छोटी भाभी है? शादी मुबारक हो रामू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता, कब बताता, भाई के नाते आप यहां थोड़ी आए हैं, बेपार करने आए हैं। आते ही मेरी इंसानियत और शराफत का मोल लगाने लगे, मेरी इंसानियत को खरीदने लगे। रामू, मैं जो कहता हूं ठीक कहता हूं, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं। देखो, मुझे जिंदगी का तजुर्बा है, अपनी जरूरत को समझो। इस वक्त तुम अकेले नहीं हो,
तुम्हारी बीवी भी है, इसके बाद तुम्हारे बच्चे भी होंगे, और इन सब के लिए तुम्हें रुपया चाहिए, रुपया। रुपया अगर इंसान को शैतान बना देता है, उसे अपनी इंसानियत से गिरा देता है, तो मुझे ऐसा रुपया नहीं चाहिए भैया। मैं गरीबी की जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन अपनी इंसानियत और शराफत को कभी नहीं बेचूंगा। तो ठीक है, कुत्तों की जिंदगी गुजारना चाहती हो तो गुजारो। मैं तो सिर्फ एक भाई के नाते तुम्हारे पास आया था। उसी भाई के नाते यहां से चुपचाप चले जाइए भैया। जाता हूं, लेकिन याद रखो रामू, एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरी बातें याद आएगी और तुम झक मारते हुए मेरे पास आओगे। रंजीत, मेरी वजह से तुम्हें आज क्या कुछ सुनना पड़ा? वो भूल जाना, जिस बहादुरी से तुमने भैया का साथ देने से इनकार कर दिया, मुझे उस तुम बहुत अच्छे हो राम। मेरी मीना राम को भी मालूम नहीं कि उसने किस पर हाथ उठाया है। गिन गिन कर बदले न लिए तो मेरा भी नाम रंजीत नहीं। तू छोटा था, उल्लू का पट्टा था, बड़ा होकर पूरा उल्लू बन गया। क्यों बे गुंगे, अपनी जिल्लत का बदला लेना क्या? हाँ, तेरे लिए। क्यों? पहली बात तो ये कि खता तेरी थी, तुमने उसकी औरत को गाली दी। दूसरी बात ये कि वो हरनाम का है और हरनाम तेरा मालिक। तीसरी बात ये है कि मैं हरनाम के लिए जान, वो मुझे कुछ देता है तो एहसान नहीं करता। मैं जान दे सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं। राम आजकल नाइट ड्यूटी करता है, काम जरा होशियारी से करना। और याद रखो, हर बात का इल्जाम आना चाहिए। राम, तुम अपनी ड्यूटी रात के बजाय दिन की नहीं करवा सकते? करा तो सकता हूँ मीना, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी। क्या बात है, तुम अकेले डरती हो? मुझे अकेले नहीं, तुम्हारे लिए डर लगता है। क्यों? न जाने क्यों, तुम्हारे भैया जब से आए हैं मुझे डर सा लगा रहता है। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मुझे कुछ नहीं। अरे, ऊपर का बटन तो है ही नहीं। अब रात को बटन कौन देखेगा? एक मिनट में लगाती हूँ। अब कहाँ सुई धागा ढूंढते फिरोगी मीना? ढूंढने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही है। अच्छा, ये क्या कर रहे हो? देखो मैं इतनी सुई चुप जाएगी। हाँ, अरे हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं नहीं सीती, जाओ ऐसे ही जाओ। अरे अच्छा बाबा, हमारी कसम आप कुछ नहीं करेंगे। और किया तो? कह जो दिया नहीं करेंगे। वादा? वादा।
चाहते हो? तुम्हारा साथ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। चुपचाप हमारे साथ फैक्ट्री चलो। चलो। सिंह दरवाजा खोलो। मुझे फंसाना चाहते हो? आदमी तो समझदार मालूम होते हो, लेकिन इस सेट में प्रमोशन, तरक्की, जल्दी करो। कारखाने में डाका डाला है और दरबान का खून करके फरार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, हो गया है। मैं उसे गिरफ्तार करने आया। ए मिस्टर, राम का घर यही चैन है। आप लोग कौन है? हम मिसेस फर्नांडिस हैं। और हम मिस्टर फर्नांडिस हैं। राम से क्या काम है? अरे बाबा, हम उसका वाइफ को मिलने को है। बोल रहे बोल। हाँ, राम का एक्सीडेंट। वो है कहाँ? डॉक्टर सबीर सिंह का प्राइवेट अस्पताल में। उसको बड़ा मुश्किल से एडमिट कराया है। उसको बहुत मार लगे है। सुवर का बच्चा हर काम उल्टा करता है। राम के घर गया तो उसकी बीवी को गाली दी, कारखाने गया तो चौकीदार का मरवा दिया। कमीने हरामखोर, तुझसे किसने कहा था कि चौकीदार का खून करवा दे? मादर बाखता, मैं राम को जितना करीब लाना चाहता तूने उतना ही दूर कर दिया।
खून तूने करवाया, इल्जाम राम पर लग गया। राम एक पुराना सजा याफ्ता आदमी है, इस वक्त भी उस पर खून और डकैती का इल्जाम है। मैं उसे फौरन यहां से सरकारी अस्पताल भिजवाना चाहता हूं। आई एम सॉरी सुपरिंटेंडेंट, यहां आने से पहले आप ले जा सकते थे, अब नहीं। जब तक उसकी हालत बेहतर ना हो जाए मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं उसका बयान लेना चाहता हूं, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो भी होश में नहीं है। ऐसी सूरत में निगरानी के लिए मुझे अस्पताल में पुलिस लगानी पड़ेगी। जरूर लगाइए, मैं कानूनी मामले में दखल नहीं दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। कौन लोग, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे मीरा, जिन्होंने मेरी फैक्ट्री में डाका डाला था। कौन है वो लोग, तुम उन्हें जानते हो? नहीं मीरा, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर राम। सीधी तरह अपने जुर्म का इकबाल कर लो। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, ये बिल्कुल बेकसूर है। आप चुप रहिए, तुमने डाका डाला है, फैक्ट्री के लोगों ने आंखों से तुम्हें देखा है, गवाह मौजूद है। उस डाके में वो चौकीदार भी मारा गया। बताओ तुम्हारे दूसरे साथी कहां है? मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता। जो ऐसा कहता है गलत कहता है, ये सब झूठ है, झूठ है। ये झूठ नहीं सच है, यूरोप से हीरे लेके आए थे, जब भी तुमने यही कहा था कि तुम बेकसूर हो। पुलिस तुम्हारी इन बातों में आने वाली नहीं, तुम आदि मुजरिम हो, जेल काट चुके। मैंने जेल जरूर काटी है, मगर मैं उस वक्त भी बेकसूर था, आज भी बेकसूर हूं। जिन्होंने डाका डाला है आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए मैंने खुद उनका पीछा किया था। पीछा नहीं, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उसकी पकड़ बहुत मजबूत। सीधी तरह इकबाले जुर्म कर लो, तुमने डाका डाला है, खून किया। ये सब झूठ है, सरासर झूठ है, ये सच है। मैंने कोई डाका नहीं डाला। तुमने डाका डाला है। ये मुझ पर इल्जाम है, मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं, ये झूठ है, ये सच है। सुपरिंटेंडेंट डायर, मैं मरीज से इस तरह बात करने की आपको इजाजत नहीं दूंगा। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं डॉक्टर। मैं भी अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, जहां तक मैं समझता हूं आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। मरीज पर इस तरह दबाव डालने और उसे परेशान करने का आपको कोई हक नहीं। आप सिर्फ बयान ले सकते हैं, और वो भी उस वक्त जबकि मरीज अपनी नॉर्मल हालत में आ जाए। मैं आपसे ये पहले भी कह चुका। ऑलराइट, आई विल वेट। ये सब तुझे क्या हो गया है? आप यहाँ क्यों आए हैं? भाई की मोहब्बत और हमदर्दी ले आई। हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। इस बात को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ रामू। मेरे भाई, मैं तुम्हें मौके की नजाकत का एहसास दिलाने आया हूँ। तुम पर डिकॉटी और कत्ल का इल्जाम लग चुका है, मगर मैं बेकसूर हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। रामू, अपनी बेगुनाही को कैसे साबित करोगे? फैक्ट्री वालों ने तुम्हारे खिलाफ बड़ा खतरनाक बयान दिया है, और वो चौकीदार भी मर चुका है। लेकिन राम ने ये खून नहीं किया है। मेहरबानी करके हमें अपनी हाल पर छोड़ दीजिए। तुम्हें अपने पति से जरा भी हमदर्दी नहीं? कैसी बीवी हो तुम? अगर राम को फांसी होगी तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी।
मैं क्यों? इसलिए कि तुम इसे मदद लेने से रोक रही हो। रामू जल्दी फैसला करो, मैं अपनी जान पर खेल कर यहां आया हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं अपने दिल से वो बोझ हटा देना चाहता हूं जो परसों से रखा है। पहली बार जेल तुम मेरी वजह से गए थे, मैं उसका बदला देना चाहता हूं। मुझ पर यकीन करो रामू, मेरे सिवा तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता। जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करना, ये काम आज रात को होना चाहिए। कल सुबह तुम्हें ये लोग सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, फिर तुम्हें वहां से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। ये रहा मेरा प्लान, इसे पढ़ लेना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कल सुबह 4 बजे फिर मिलूंगा। एक बार फिर सोच लो, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले याद रखना रामू, ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। राम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने भाई की बात में मत आना। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ूंगी। तुम बेकसूर हो, तुमने कोई खून नहीं किया, तुम बिल्कुल बेकसूर हो राम। हाँ। राम मुझे सोचने दो मीना, मुझे सोचने दो। राम सिस्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सिस्टर हमारा फोन आया। तुम्हारा फोन? हाँ, ऊपर सिस्टर आके बोला तुम्हारा पुलिस स्टेशन से फोन आया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? जाओ यहाँ से। अरे हमने बोला जाओ यहाँ से। मैट्रिन मैट्रिन। यस सिस्टर। रात को 9:30 बजे मैंने नए डॉक्टर के बारे में बोला था। हाँ मुझे याद है। मैंने उसको फिर देखा। कहाँ? मुरान को तरफ गया। Thank you.
हूं मैं। विस्की पियोगे? पिलाओगे तो पी लूंगा। You're looking chic. Yeah? Yeah. एक बात बताऊं? क्या? तुमसे प्यार होता जा रहा है। ओह, कहीं तुम्हारा भाई ना सुन ले? लेकिन आज इतने मेहरबान क्यों हो? जानती हो, मुझे यहां सबसे ज्यादा तुम अच्छी लगती हो। इसके लिए कुछ इनाम दूं? वही चाहता हूं। मांगो। मीना कहां है? वो जहां भी है बहुत अच्छी तरह है। मुझसे वादा किया गया था कि मुझे मीना से मिलवा दिया जाएगा। कहां है वो? ये अपने भाई से पूछो। राम मीना से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। ठीक क्या रहा फिर? भैया मीना कहां है? अभी मीना से मिलने का वक्त नहीं आया। जब भी मैं मीना के बारे में आपसे पूछता हूं तो आप टाल जाते हैं। अगर आपको अभी नहीं बताना है तो मैं खुद उसकी तलाश कर लूंगा। बेवकूफ, पुलिस तुम्हें हर जगह तलाश कर रही है। अपने साथ मीना को भी मुसीबत में डालना चाहते हो? तुम समझते क्यों नहीं राम? क्या मैं नहीं चाहता कि तुम और मीना आराम की जिंदगी बसर करो? राम, जानते हो तुम्हें जेल किसने भिजवाया था? आपने? मैंने नहीं। तो फिर किसने? शेख अरब ने। शेख अरब कौन है? मेरा दुश्मन जो हम दोनों को बर्बाद करना चाहता है। ये सच है राम के वो हीरे मैंने मंगवाए थे, लेकिन अगर वो पुलिस को खबर न करता तो तुम कभी नहीं पकड़े जाते। जब भी मुझे इस बात का ख्याल आता है कि उसने मेरे मासूम भाई को अपराधी बनाया है तो मेरा खून खौलने लगता है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूं रामू। कैसे? उसका 50 लाख का सोना आ रहा है, हम उसे लूट लेंगे। डाका? डाकू का माल लूटने को डाका नहीं कहते रामू। आपका बनाया हुआ कानून दुनिया में नहीं चलता भैया। बुराई को बुराई से मिटाएंगे तो दलदल में उतरते जाएंगे। अगर इनका जवाब पत्थर से ना दिया तो वह हमें झूठी की तरह मसल देगा। इसने अभी मौका है राम, फिर बिना को लेकर स्विट्जरलैंड चले जाना और जिंदगी फिर ऐश करना। No, 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 no.
गुस्से में भी हसीन दिखाई देती हो। नीच, मैं तेरी ज़बान जला दूंगी। मुझे गर्म खाने की आदत नहीं है, ठंडा करके खाता हूँ। अगर आपको पता चला तो वो तेरे टुकड़े कर देगा। राम ही को बुलाने की तरकीब कर रहा हूँ। अगर मेरे नजदीक आया तो मैं तेरा खून कर दूंगी। मैं नहीं, तुम नजदीक आओगी वक्त आने पर। आज दुनिया हमारे कदमों के नीचे है राम। जो मांगोगे मिलेगा, जो चाहोगे पाओगे। जानते हो ये क्या है? ये खुदा है। खुदा इंसान मस्जिद बनवाता है, मंदिर बनवाता है, उसमें कलमे लिखवाता है, मूर्तियां बिठाता है, लेकिन पूछता इसे। ये वो ताकत है जो बेटे से बाप का खून करवा देती है, मां को बेटे के खिलाफ करवा देती है, भाई को भाई चढ़ा देती है। लेकिन यहां यहां भाई से भाई नहीं लड़ेगा। हेलो हरनाम। कौन? रंजीत। एक घंटे के अंदर अंदर सारा रुपया मेरे पास लेकर आओ, वरना इस बेवकूफी की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कमीने, तेरी ये हिम्मत मुझे धमकाता है? जानता नहीं किससे बात कर रहा है? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टेलीफोन राम को दो। राम सादे जो कहना है मुझसे कह। राम से क्या बात करता है? क्या बात है भैया? हेलो, मैं राम बोल। मेरे प्यारे राम, तुम्हें अपनी सीता चाहिए। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी बीवी यहाँ मेरे पास। तुम बकवास करते हो, मीना तुम्हारे पास नहीं हो सकती। लो बात कर लो। राम, मीना तुम कहाँ? राम, मीना। रुपया लेकर फौरन आओ, पुलिस को खबर की तो सिर्फ उसके लाश मिलेगी। जगह मालूम है? काली चौकी के पीछे वाली पहाड़ी पर। रंजीत, 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 मीना रंजीत के कब्जे में है भैया। मैं उसे छुड़ाने जा रहा हूँ। रुपया क्यों लिए जा रहे? रंजीत मीना के बदले सारा रुपया मांगता है। बेवकूफ तो नहीं हो गए? इतने साल स्कीमें बनाने के बाद जो रुपया हासिल हुआ। मगर मीना को बचाने के लिए इस वक्त ये रुपया बहुत जरूरी है भैया। मैं आपको इससे कहीं ज्यादा ला दूंगा। रुपया लाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। रुपया मीना से ज्यादा नहीं भैया, वो मेरी बीवी है। बीवी अब बात करती है, रुपया चाहिए भैया। बेवकूफ, तजोरी और बैंकों में बीवी नहीं रखी जाती, रुपया रखा जाता है, और इसे वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। औरतें टके सिर बिकती है। कितनी बीवियां चाहिए तुम्हें? इसका मतलब है आपकी नजरों में इंसानियत और शराफत कोई चीज नहीं। इंसानियत, मोहब्बत, शराफत सब रुपए के जोर से है। रुपया ना हो तो कोई थूकता भी नहीं। मुझे आपकी मंतिक नहीं चाहिए, अपनी बीवी चाहिए। आपकी इन्हीं बातों में आगे मैंने अपनी मीना को खो दिया। भाई के हाथों भाई का खून हो, मैं ये नहीं चाहता। एक औरत के लिए अपनी जान खतरे में न डालो। मीना मेरी जिंदगी है, मैं उसे आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश नहीं कहूंगे। ये भाई भाई का मामला है। सुप्रिंटेंडेंट दास बोल रहा हूं। इस घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, भागने की कोशिश करना बेकार है। मैं तुम लोगों को एक मिनट देता हूं, अपने हथियार रख दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। याद रखो, यह आखिरी वार्निंग है। Thank you.
रुपया लाए हो? रुपया चाहिए तो पहले मीना को वापस करो। मौत के मुंह में आ गए हो। मीना की वापसी के लिए शर्तें मत लगाओ। अपनी जगह से हिले तो बोलती बंद कर दूंगा। जाने, बैग ले आओ। तूने इस पर हाथ भी उठाई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरनाम, वो दिन गए जब तेरा हुक्म चलता था। अब मैं अपना खुद मालिक हूं। मीना को जल्दी ले आओ।
गोली मार दूंगा। भैया भैया राम भैया भैया ये तुम्हारे मरने के दिन नहीं थे भैया, मैंने कितना समझाया तुम्हें। ये मेरा नसीब था राम, इसे कोई नहीं बदल सकता। राम मेरे भाई, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, हो सके तो मुझे माफ। Thank you.